स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज हम ब्रिज टाउन बारबेडोस में और आज हम जा रहे हैं भाई नए देश में जिसका नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये बारबेडोस जैसे ही लग रहा है पर ये अलग देश है और ये मेरी 80th कंट्री होएगी पर मेरी 50th है। और यहाँ से फ्लाइट लिया भाई हमने, फ्लाइट वीज़ा के बारे में सब एयरपोर्ट जाके डिस्कस करते हैं। हमने ये अपार्टमेंट ले लिया था, पिछली बार आए थे तो रोजर के पास दूसरा था, इस बार अवेलेबल नहीं था तो ये वाला दे दिया उसने, $65 का ही मिला ये। चलो अभी चलते हैं इस वैन में, $15 में एयरपोर्ट छोड़ देंगे हमको। देखो ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट पे, यहाँ पे मतलब गाड़ी छोड़ के जाएगी। ये रे चेक इन काउंटर्स भाई, हमारी इंटर कैरेबियन की। यार मेरे को नहीं पता कैरेबियन और इंटर कैरेबियन सेम है अलग अलग, पर दोनों की साइड्स अलग है क्योंकि हमारी और फ्लाइट ना कैरेबियन से भी हैं तो। और तो मेरे को यार इंटर कैरेबियन तो दिख नहीं रही कहीं पे, यही होगी फिर या तो। सेम एयरलाइन नहीं है, कैरेबियन अलग है इंटर कैरेबियन अलग है, इंटर कैरेबियन वहाँ पे है और हमारी आने वाली कई फ्लाइट्स कैरेबियन से भी हैं तो इससे भी ट्रैवल करेंगे। और अभी तो हम जा रहे हैं इंटर कैरेबियन एयरलाइन से। कल अंडे लेके आए थे हम 12, रात को 8 का तो ऑमलेट बना दिया, मतलब स्क्रैम्बल्ड एग बना दिए और एक फूट गया और 3 बचे थे तो ये हम उबाल के ले आए, लेट हो रहे थे तो एयरपोर्ट पे खा रहे हैं। ये है भाई कैरेबियन एयरलाइंस, इनका ऐसा रंग बिरंगा सा साइन है इंटर कैरेबियन। चलो चेक इन करते हैं पहले। जो देश वीज़ा ऑन अराइवल है हमारे लिए, मतलब शेंगेन वगैरह होना चाहिए, वो भी जाने में दिक्कत ही है यार। अब वो पासपोर्ट ले गई 5 मिनट से गायब है, पता नहीं क्या ही है। ये भाई ट्रैवलिंग है इंडियन पासपोर्ट के साथ। भाई मेरा US वीज़ा देखेंगे, सारे शेंगेन वीज़ा वगैरह एक्सपायर हो रखे हैं वो देखेंगे, सारे बड़े बड़े वीज़ा और देखेंगे, लेकिन इंडियन पासपोर्ट वाला कैसे जाने लग रहा है। फिर भी भाई टाइम ख़राब है। मिल गया बोर्डिंग पास और आप एक चीज़ देखोगे, सीट नंबर इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, रैंडम सीटिंग है भाई। जो पहले पहुंच गया उसको विंडो सीट मिल जाएगी, जो बाद में आया उसको नॉर्मल, मतलब कुछ ऐसा ही होगा सिस्टम। और मेरे से तो कुछ नहीं पूछा, परमवीर का वेरीफाई करने गई है US वीज़ा। और जो जिसको सीट नहीं मिली वो ऊपर छत पे चढ़ के जा, हाँ, वो जा सकता है, वो पायलट के साथ बैठ सकता है। मैं तो खिड़की में लटकूंगा। बड़ा खतरनाक एयरपोर्ट है, देखो सेकंड वाली फ्लाइट का टाइम है 12:10, अगली का 12:15, अगली का 12:15, अगली का 12:30 और सारी गेट नंबर 9 से जाएंगी भाई। कैसे भेजेंगे, मेरे को तो समझ से बाहर है। ऐसा एयरपोर्ट तो मैंने पहली बार देखा है, देखना कैसी कैसी दुकानें हैं। और भाई सिक्योरिटी के बाद कोई इमिग्रेशन ही नहीं हुआ अभी तक, तो अभी तक तो हुआ नहीं, देखो आगे हो जाए तो बात अलग है, पर गेट्स आ गए डायरेक्ट अब तो 1-11। जो देश हम जा रहे हैं ना वो है एंटीगुआ एंड बारबुडा और वो है इंडियंस के लिए गेट्स 1-10 पे, वो है, और शायद मेरे को इमिग्रेशन जाना पड़ेगा, वो है इंडियंस के लिए ई वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल। ई वीज़ा उन लोगों को लेना पड़ेगा, हाँ हम बात कर रहे थे भाई, ई वीज़ा उनको लेना पड़ेगा जिनका शेंगेन कैनेडा US या फिर UK वीज़ा नहीं है, तो उनको लेना पड़ेगा भाई ई वीज़ा, जो कि ऑनलाइन मेरे को नहीं पता उसका प्रोसेस क्या है, पर मैं साइट नीचे डाल दूंगा, पर मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं वो तो मत ही करना। अब मेरे पास था शेंगेन वीज़ा और परमवीर के पास था US वीज़ा, तो हम दोनों ले सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि कल मैं थोड़ा डर गया था कि भाई ई वीज़ा हमने अप्लाई नहीं करा और वीज़ा ऑन अराइवल पता नहीं कोविड के बाद बंद हो गया हो क्या हो गया हो, पर हम ऑफिशियल, अबे किसी का बोर्डिंग पास गिर गया, अरे पुराना है शायद, 5 फरवरी का, छोड़ो 6 फरवरी है, तो पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी लिख रखा है कि अगर आपके पास ये सारे वीज़ा हैं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, पर वीज़ा ऑन अराइवल की फीस है भाई $100, ₹8,000 तो देंगे भाई, अब क्या कर सकते हैं जाने के लिए। और ये वाली हमारी फ़्लाइट कुल 51 मिनट की है और ये फ़्लाइट हमने बुक कराई है ₹23,000 की पर पर्सन, बहुत महंगा ही है भाई। यहाँ पर ट्रैवल करना कोई आसान काम नहीं है भाई, सारी कंट्रीज घूमना फाइनेंशियली भी और वैसे भी, तो देख लो मतलब कंट्री में लैंड होने से पहले भाई $100 तो वीज़ा के लग जाएंगे हमारे, और ₹23,000 की फ़्लाइट ले ली तो, और होटल भी दिखाता हूँ कितना महंगा मिला हमको। और आपको एक और चीज़, हम कार रेंट की सोच रहे हैं, चलो देखते हैं पहले तो फ्लाइट देखते हैं कैसी होगी। मेरे को लग रहा है ऐसा प्लेन होगा इंटर कैरेबियन का, ये तो बहुत ही छोटा है भाई, जो भी नॉर्मल में फ़्लाइट ली थी मैंने ये तो उससे भी छोटा लग रहा है।
कुछ भी सीटें नहीं है इसमें तो। मीर इमिग्रेशन करा लिया तूने? करा ले जा। करवा तो लिया, कितनी बार कराना है? कहाँ कराया इमिग्रेशन तूने? बोर्डिंग गेट से पहले। वो इमिग्रेशन था? टाइम भी लगी है भाई तो, ट्रेन लगी। भाई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन जाते वक्त होता ही नहीं है, कहीं जाओ। तेरा नहीं हुआ भाई, मेरा तो हुआ है। कहाँ हुआ तेरा? देखो ऐसे लाइन बना के जानी होती है, आगे अपना इंस्ट्रक्टर है, कैसे कैसे जाना है। अपना आखिरी वाला प्लेन है बिल्कुल, जैसे मैंने नेट पे देखा है वो उस हिसाब से तो वही होना चाहिए, अब कह नहीं सकते। पहली बार हुआ होगा जिंदगी में मैं कि बोर्डिंग के टाइम पे, यार चल लो तेज थोड़ी, बोर्डिंग के टाइम पे मतलब मैं ऐसे गेट पे पहले जा खड़ा हो गया, क्योंकि भाई इसमें सीट्स असाइंड नहीं है, जिसको जो पहले चढ़ गया जो सीट पसंद आ रही है वो ले लो, सीधी सादी सी बात है। तो अपना खिड़की वाली सीट कह रहा है ये प्लेन किसके लिए है? शुभम के लिए। ओ भाई इसमें तो परमीर तो फिट भी नहीं आएगा मेरे को लग रहा है, देखना कितना सा है। फिर भी इसमें इंडिया की एयरलाइनों से सही है जो और होती हैं। देख तेरी आ गई ना टांग सही, फिर भी चला गई, कोई नहीं इसकी। भाई ये तो बहुत ही छोटा प्लेन है, दो एक का अरेंजमेंट है। चलो विंडो सीट एक तो मिल गई अपने को। पानी भी फ्री में दे गए, वैसे सबको नहीं दे रहे, मैंने कहा बुलाया उनको बटन दबा के, तो कहते हम ग्लास में नहीं देते बोतल में देते हैं, तो मैंने कहा बोतल के पैसे देने, कहते नहीं नहीं फ्री है, तो मैंने कहा ठीक है भाई दे जाओ 500 ml। ये सबसे सही है यार, एक एक बोतल तो सारी एयरलाइन दे सकती हैं यार। भाई ये है यहाँ पे टॉयलेट, ऐसा मिरर है, $2000 का फाइन भी लिखा हुआ है, ये मैंने पहली बार देखा है किसी भी एयरलाइन में लिखा हुआ, और ऐसी है टॉयलेट। तो ये थी भाई अपनी फ्लाइट, और मेरा सिर देख लो लगभग मतलब टच हो ही चुका है। परमवीर का तो मतलब परमवीर को तो मुंडी मोड़ के वो भिड़ गया, मुंडी मोड़ के आनी पड़ती है। चलो चलते हैं प्राइवेट जेट से उतरते हुए। ये पहुंच गए भाई, अब यहाँ पता नहीं लाइन बना के खड़ा कर दिया, यहाँ पे भी अपनी अपनी रो में लग जाओ, क्लास वाइज सेक्शन वाइज। भाई हमारा गरीब प्लेन तो वहाँ लगा दिया, अब जा रहे हैं हम इसमें से ऐसे ऊपर, मतलब यहाँ जो प्लेन लगता है उसके लिए डायरेक्ट एयरपोर्ट में एंट्री, और अपने लिए ऐसे ऊपर ऊपर जाके ऐसे है। अब भाई जितने भी ये सारे कोरे हमारे आगे जा रहे हैं, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ इनमें से सिर्फ 57 बंदे आए ना हमारी फ्लाइट में, 55 लोगों को वीज़ा के पैसे भी नहीं देने होंगे, इनको वीज़ा चाहिए भी नहीं होगा 55 लोगों को, और हमको वीज़ा चाहिए भी, हमसे पैसे भी लेंगे ये, और हो सकता है हरास भी करें, मतलब हम पैसे भी देंगे इनके देश में आके और हम परेशान भी होंगे। ये आ गया भाई एंटीगा का फ्लैग, मेरे को लग रहा है ये सनसेट होता हुआ दिख रहा है कि अंधेरा हो गया, पीछे सन है, वो है वाटर है, और ये बीच सा लग रहा है मेरे को, मेरे हिसाब से तो यही है, और पता नहीं क्या है। तो भाई मेरे को तो बड़ा स्कैम सा फील हुआ कि $100 भी ले लिए और वीज़ा चिपकाया भी नहीं, भाई एक बेकार सी मोर मार के दे दी, मज़ा नहीं आया यार, इतना महंगा ₹8,000 में भाई वीज़ा ऑन अराइवल किस हिसाब से दिया समझ से भी नहीं आया यार ये तो। चलो दिखाता हूँ आपको मोर कैसी है। ये है भाई देखो जो इन्होंने स्टैंप मारी है, एंटीगुआ एंड बरबुडा डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, 6 फरवरी 8 दिन तक वैलिड है, 30 दिन तक वीज़ा है बस, ये ₹8,000 में बस इतना सा मारा है। तो ये आ गया हूँ मैं कस्टम से बाहर, और अब यहाँ पे हमको ढूंढनी है भाई कार रेंटल की दुकान। उस ATM से निकलवाए थे मैंने पैसे, वहाँ पे दो ATM है, एक लेता है $5 और एक लेता है लगभग मान लो $3.5।
तो आप 3:30 वाले से निकलवा लेना ठीक है, अगर आओ तो। अब ढूंढते हैं कार रेंटल का। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये गाड़ी रेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो शहर में अभी अपार्टमेंट मिल रहे हैं ना 3 दिन के मिल रहे हैं $250 के, और शहर से थोड़ा दूर अपार्टमेंट मिल रहा है भाई वो मिल रहा है $120 का 3 दिन का। तो इससे अच्छा क्यों ना भाई यहाँ से हम टैक्सी जाने के भी $20 देंगे, आने के भी, क्योंकि यहाँ शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, मैंने सुना है ऐसा कि नहीं चलता और मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई। तो $40 वो जोड़ लो आप, कितने हो गए 250 + 40, टैक्सी में आएंगे जाएंगे भी नहीं, 250 नहीं 120 + 40 160 ठीक है। तो इससे अच्छा तो भाई अपने एक गाड़ी ले लेते हैं, $175 में 3 दिन के लिए गाड़ी मिल जाएगी हमको और सही हो जाएगा। मतलब मैंने में टैक्सी लेने का फायदा भी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है नहीं, बंद के रह जाते हैं फिर अपन भी, जैसे बर्बाडोस में बंद गए थे गाड़ी हो तो ये अपना पूरा दिन हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सही कभी भी डलवाएंगे $25 का पेट्रोल और हाँ इतना बड़ा देश ही नहीं है ये, 20 किलोमीटर में 1 लीटर तो चलेगा ही। तो ये बता मैंने ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन रिजर्व करा रखी गाड़ी हाँ। जो कि $175 की 3 दिन के लिए हाँ। प्लस उस पर इंश्योरेंस भी लगेगा कुछ $41 का हाँ। तो उनको जाके बताएं हमने करा रखी है, नहीं बताएं पहले उनसे रेट पूछते हैं, उनका रेट कम होगा फिर हम कह देंगे हमने एक बुक भी करी थी शायद पता नहीं वो हुई या नहीं हुई, कह देंगे कि ये वाला रेट था हमारा चल तो कही हाँ कन्फर्म एकदम से ऐसे फिर भी हमें पहले पता नहीं था, अगर इन्होंने रेट ज्यादा बताया तो ये कम बताया तो कह देंगे हमने कोई ग्राइंड रखी नहीं बुकिंग दे दो। चलो ठीक है ठीक है, ये आ गया भाई कार रेंटल का। एविस काफ़ी फेमस है, हर्ट्स भी काफ़ी फेमस है, पर यहाँ पे मैंने तो डॉलर से कर रखी है ऑनलाइन जो आई, देखते हैं। तो भाई अंदर सारी रेंटल कंपनी वाले बैठे हैं, पर नहीं 6-7 काउंटर हैं जितनी ये लगी हुई है 8, और 3 के एम्प्लॉय बैठे हैं बस, और तीनों से पूछ लिया हमने, तीनों के पास नहीं है। एक जो डॉलर कंपनी है ना अभी भी ऑनलाइन दिखा रहा है कि इनके पास है, तो वो एम्प्लॉय अभी आने लग रही है। तो एंटीगो एंड बारबुडा के बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। एंटीगो और बारबुडा दो आइलैंड है, जैसे त्रिनिदाद और टोबैगो थे ना वैसे एंटीगो और बारबुडा, दोनों की पॉपुलेशन मिला के कुछ 1 लाख है, जिसमें से 97,000 लोग जो कि 97% पॉपुलेशन है वो रहती है एंटीगुआ में ठीक है। और यहाँ पे जो इंडिया के एजेंट्स हैं जो मेडिकल पढ़ाई के लिए भेजते हैं वो लोगों को कहते हैं आप अमेरिका जा रहे हो और भेज देते हैं स्टूडेंट्स को एंटीगुआ पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो अमेरिकन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस कुछ ऐसा करके है। एयरपोर्ट पे भी एडवर्टीजमेंट था, एयरपोर्ट वाली भी कह रही थी कि बहुत मतलब वहाँ पे मैथ लगाया वो मस्त है वो दिखाता हूँ कि ना बहुत सारे इंडिया के बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने और उनके पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे उनसे मिलने, तो हमने पूछा था कि इंडिया के ज़्यादा लोग आते हैं क्या इंडियन पासपोर्ट के साथ, कहते हैं आते हैं। तो और भाई जो इस देश की 80% आमदनी है ना वो टूरिज्म से है, 80% आमदनी भाई, मैं तो पढ़ के हैरान हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ एंटीगा एंड बारबुडा है कहाँ पे, देखो भाई ये पूरा मैप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये था बारबाडोस, फिर हम गए त्रिनिदाद भी चले गए, ग्रेनाडा भी चले गए, ये सब नहीं गए, सेंट विंसेंट चले गए, सेंट लूसिया चले, ये है ही नहीं कंट्री नहीं है ये, मार्टिनिक भी कंट्री नहीं है, डोमिनिका भी चले गए और इतने ही गए थे। और अब हम बारबाडोस से फ्लाई करके आए हैं एंटीगुआ, वो उसके ऊपर है बारबुडा, बारबुडा पे कोई नहीं रहता, 2-3 हज़ार लोग रहते हैं बस। सेंट किट्स एंड नेविस नहीं गए, अब हम एंटीगुआ एंड बारबुडा से 3 दिन बाद जाएंगे जो यहाँ पे डालने रखा जमैका। भाई यहाँ पे मिल गई हमको गाड़ी ग्रैंड विटारा है, ये सुजुकी की एक ही सेडान टाइप, मैंने कहा भाई एसयूवी ले ले, टायर हो रखे हैं पूरे गंजे, भाई टायर तो पूरे गंजे हैं, तो टायरों का इंश्योरेंस नहीं कराया बस, और सब पूरी गाड़ी इंश्योर्ड है भूल गया था मैं क्या कहते हैं। तो भाई ये गाड़ी पड़ी हमको $135 की गाड़ी 3 दिन की, $45 पर डे $US, और $17 पर डे इंश्योरेंस, मतलब $62 के ऊपर आप लगा दो 15% टैक्स जो कि हो गया $70 के ऊपर बना है $20 का ये लोकल लाइसेंस, परमवीर के नाम से बना है और ये है 3 महीने तक वैलिड। तो ठीक है भाई जैसा भी है आप क्या कर सकते हैं, 50 EC का लाइसेंस है ये, $50 यहाँ पे लिखा टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे करके ना। तो $233 की हमको पड़ी गाड़ी 3 दिन के लिए। अभी अभी एक कमरा बुक अपार्टमेंट टाइप बुक किया है वो आया $150 का और $200 के वीज़ा, तो कितना खर्चा होगा दो जनों का 350 + 250 मान लो आप, उतरते ही $600 का खर्चा होगा हमारा।
तेल की टंकी हमारी आधी आधी करके हमें वापस लौटानी है। अच्छा उसने कहा है? आधी टंकी देख ले। $600 हमारे उतरते ही खर्च हो गए भाई। भाई हम निकल चुके हैं, ये रहा एयरपोर्ट, और ज्यादा बड़ा देश है नहीं पर पहाड़ वहाड़ है। अब पहले तो भाई यार थोड़ा होटल में दिक्कत आ गई बुक करने में, वो करते हैं, खाना खा लेते हैं, आज जाके करेंगे रेस्ट। 7-8 दोनों दिन पूरे पूरे हमारे पास, और आज शाम को भी कहीं चल पड़ेंगे। 9 को सुबह सुबह छोड़नी है गाड़ी है। मजा आ रहा है चलाने में। चल फिर वो $20 तेरे खाते में लिख देता हूँ जो लाइसेंस के है, ठीक है? शुरू में 10 मिनट में जाते हैं नए देश में, 10 मिनट तो खैर एडजस्ट करने में लगती है क्योंकि और देशों में लेफ्ट एंड ड्राइव होता है। अभी तो एडजस्ट करना ही पड़ा, इंडिया वाली ड्राइविंग थी, पर ये है कि यूं लग रहा है कि इंडिया वाली ड्राइविंग है और सड़कें इंडिया की साफ होगी, भीड़ नहीं है, बस ये फर्क है। गानों के बिना मन तो नहीं लगता, पर यार यहाँ तो बहुत ही महंगी मिली है लीड। ये जो ऑक्स की केबल होती है जो इंडिया में यार 30-40 रुपए की मिलती है, ये 600 रुपए की मिली है भाई यहाँ पे, 20 ईस्ट कैरेबियन डॉलर की। क्या कर सकते हैं, पर चलो कोई नहीं, 600 रुपए की। भाई ये सब हमने ऑर्डर करा है, इसमें है 2 तो मील हैं बर्गर के साथ, और एक है 4 चिकन स्ट्राइप्स और एक चिकन पॉपकॉर्न करके, और ये आया पूरा 80 का, मतलब इसके साथ पेप्सी भी आई है, वो परमवीर ले गया 80 का, और पानी की बोतल आई 4.5 की। तो कितना, 2400 रुपये का खाना है ये, और इससे अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं खा लेते, मैं कह रहा था इससे अच्छा सुपरमार्केट से केले अंडे दूध लेके घर पे खाते भाई। इससे सस्ता है यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, 12 USD में पूरी मील है, और हम यहाँ पे ज़्यादा का पड़ गया हमको, 30 का पड़ गया। चलो कोई नहीं।